नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम आ गए हैं आपके पुस्तक के अंतिम पाठ पर, पाठ संख्या 15, परजीवी की दुनिया। तो देखते हैं क्या होते हैं परजीवी। चित्र पर आधारित गतिविधि है। उपयुक्त परजीवियों के चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखो और इनके विषय में कुछ जानकारी दो। तो ये गतिविधि आपको स्वयं करनी है। हम करते हैं पाठ में प्रवेश। विज्ञान के विकास के साथ कई नई नई चुनौतियां सामने आई हैं। हमें बीमार बनाने वाले कई रोगाणु, विषाणु, जीवाणु हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है। प्रस्तुत पाठ में हमें बीमारियों के प्रति जानकारी तो मिलती ही है, वैज्ञानिक ज्ञान का दायरा भी विस्तृत होता है। यह पाठ में दी गई जानकारी निश्चित रूप से बच्चों के अंदर वैज्ञानिक धारणा को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। इस पाठ में परजीवियों के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई है। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न उठता है, परजीवी कौन है? इसका उत्तर है, परजीवी वे होते हैं जिनका जीवन दूसरों पर आश्रित होता है। अमरबेल, विषाणु, मलेरिया, रोगाणु, जू, खटमल, ये सभी परजीवी हैं। हम अमरबेल को ही लें। कवि रहीम ने इसके बारे में कहा है, अमरबेल बिनु मूल की प्रतिपालत है ताही। सचमुच अमरबेल में जड़ नहीं होती, बहुत नन्हा सा बीज होता है। नमी मिलते ही उसमें से अंकुर फूटता है पर जड़ नहीं बनती। यह अंकुर बढ़ते बढ़ते किसी भी हरे पौधे तक पहुंचकर उससे चिपट जाता है। फिर इसके पीले चिकने तने में से निकलते हैं चूसने के अंग, चूषकांग। ये हरे पौधे की देह में घुसकर उसका रस चूसना शुरू कर देते हैं। इस तरह अमरबेल बढ़ती ही रहती है और उसे जीवन देने वाला पौधा सूखता जाता है और अंत में मर भी जाता है। यहाँ तक कि और अंत में मर भी सकता है। यहाँ तक कि जब कोई और पौधा नहीं मिलता तब अमरबेल की तेजी से बढ़ती हुई फुनगी पलटकर अपनी ही बूढ़ी बेल से लिपटकर अपने चूषकांग उसमें धसा देती है और उसका रस चूस चूस कर उसे निर्जीव कर देती है। अमरबेल की तरह और भी बहुत से प्राणी और पौधे हैं जो परजीवी होते हैं। इनमें फफूंदी, जीवाणु, विषाणु तथा अन्य रोगाणु शामिल हैं। बहुत से कीट भी परजीवी होते हैं। कीट तो दिखाई देते हैं पर जीवाणु, विषाणु और दूसरे रोगाणु हमारी आँख से अदृश्य होते हैं। इनमें से विषाणु तो परजीवी ही होते हैं। इनका जीवन ही तभी शुरू होता है जब वे किसी दूसरे जीवन में प्रविष्ट हो जाएं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि ये विषाणु कितने सूक्ष्म होते हैं? यदि 10,00,000 विषाणु को एक पंक्ति में रखें तो वे 1 किलोमीटर के बराबर होंगे। इनकी खोज में 1892 ईस्वी में इवानेस्की नामक वैज्ञानिक ने बहुत प्रयास किया। उसने तंबाकू की पत्ती में चित्ती रोग फैलाने वाले विषाणु का पता लगाया था। उसके बाद अनेक विषाणुओं का पता लगाया जा चुका है। पागल कुत्ता काटता है तो रेबीज की बीमारी के विषाणु आ जाते हैं। पोलियो, चेचक और फ्लू जैसी बीमारियां भी विषाणु जन्य हैं। इनमें से चेचक को तो टीके लगाकर समाप्त कर दिया गया है। विषाणु से भी बड़ी दुनिया है बैक्टीरिया या जीवाणु की। इसमें कूड़ा करकट और गंदगी को साफ करने वाले, मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले और दही जमाने वाले उपयोगी जीवाणु भी हैं। दूसरी ओर तपेदिक, टीबी, हैजा, पेचिश और फोड़े फुंसियों से लेकर कुष्ठ रोग तक तमाम बीमारियां पैदा करने वाले विकट बैक्टीरिया भी हैं। पर
होते हैं आंख से अदृश्य। पिन की घुंडी पर कोई 20,000 जीवाणु बैठ सकते हैं। ये बर्फ के नीचे भी पाए गए हैं और गर्म पानी के स्रोतों में भी, हवा में भी ये तैरते रहते हैं। ये सर्वभक्षी हैं, ना जिंदा छोड़े ना मुर्दा। इनकी आकृति कई प्रकार की होती है, गोल सी, छड़ जैसी और स्प्रिंग की तरह घुमावदार भी। 13 अगस्त 1857 को लुई पाश्चर ने खमीर उठाने वाले बैसिलस जीवाणु के बारे में पता लगाया। ये वही पाश्चर थे जिन्होंने दूध को सुरक्षित रखने का तरीका खोज निकाला था। जीवाणु से बड़े हैं फफूंदी, जिन्हें कवक भी कहते हैं। यों तो कुकुरमुत्ते, छत्रक खुम्बी या कुच्छी भी इसी वर्ग के हैं। ये किसी भी जगह उग आते हैं। वैसे तो ये सब मृत जीवी हैं, पर इनके कुछ परजीवी साथी बड़े शैतान होते हैं। ये बहुत छोटे आकार के होते हैं और कोरी आँख से दिखाई नहीं देते। ये आदमी और जानवरों में दांत, खाज और दूसरे त्वचा रोग पैदा करते हैं। इनका सबसे बड़ा हमला होता है फसलों पर। गेहूं की फसल पर रतुआ या किट नामक फफूंदी लग जाए तो सारी फसल चौपट। आयरलैंड में एक बार आलू की फसल पर अल्टरनेरिया नामक फफूंदी लग गई और सारा आलू सड़ गया। गीली रोटी को कुछ दिन रखने पर उस पर काली पीली फफूंदी जम जाती है। ऐसी ही एक फफूंदी से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु मारने वाली दवा पेंसिलीन की खोज की। उन्होंने फफूंदी के रस से एक व्यक्ति के फोड़े को ठीक कर दिखाया। 1941 में एक सिपाही पर पेंसिलीन के इंजेक्शन को अपनाया गया। 12 घंटे में ही उसकी हालत सुधरने लगी। बाद में तो पेंसिलिन तथा स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसी सैकड़ों दवाओं के इंजेक्शन, गोलियां और सिरप बनाए गए। इनसे लाखों लोगों की प्राण रक्षा हुई। इस प्रकार परजीवी रोगाणुओं के परजीविता के गुण का ही मनुष्य ने रोग संहार के लिए उपयोग किया। फफूंदी से बनाई दवा से रोग पैदा करने वाले जीवाणु मारे गए। इन्हीं रोगाणुओं को निर्बल बनाकर इनके टीके लगाए गए। मलेरिया फैलाने वाला मच्छर असल में मलेरिया के परजीवी रोगाणु को अपनी लार के साथ उस आदमी के खून में छोड़ देता है जिसको वह काटता है। केवल मादा एनाफिलीज ही यह काम करती है, यानी परजीवियों की भी अपनी पसंद होती है। जीवाणु और विषाणुओं की तरह जीवाणु भोगी की देह भी एक कोशिका की होती है। प्रोटीन का बना खोल और अंदर होता है डीएनए, यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जब यह किसी जीवाणु पर हमला बोलता है तब उसकी कोशिका में छेद करके उसके अंदर अपना न्यूक्लिक एसिड छोड़ देता है। इससे आधे घंटे ही जीवाणु की कोशिका के भीतर 200 से 300 तक नए विषाणु बन जाते हैं। फिर वह फट जाती है और विषाणु बाहर निकल पड़ते हैं नए शिकार की तलाश में। मलेरिया परजीवी ना तो जीवाणु हैं ना विषाणु, बल्कि अमीबा की तरह प्रोटोजोआ वर्ग के सूक्ष्म जीवी हैं। ये हमारे खून की लाल कोशिका में प्रवेश करके उसके अंदर अपनी इतनी संख्या बढ़ाते चले जाते हैं कि खून की लाल कोशिकाएं फट जाती हैं और मलेरिया परजीवी खून की धारा में मिलकर उस आदमी को चलता फिरता मलेरिया बम बना देता है। हमारी आंतों में कुछ कृमि भी पल सकते हैं। इनमें टेप वर्म की लंबाई 6 मीटर तक पहुंच जाती है। मांसाहार करने वाले को कृमियों से ज़्यादा खतरा रहता है। मिट्टी खाने या गंदा पानी पी लेने से बच्चों की आंतों में गोल कृमि हो जाते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम है एस्केरिस। इनके अतिरिक्त बेहद छोटे छोटे कृमि भी होते हैं।
आदमी में फाइलेरिया नामक बीमारी कृमियों के कारण होती है। इसमें पांव सूजकर मोटे हो जाते हैं। इसे फील पांव या हाथी पांव भी कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र के विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत और अन्य देशों को मलेरिया, फाइलेरिया तथा अन्य परजीवी रोगों से मुक्ति दिलाने का बीड़ा उठाया और उसे इसमें अभूतपूर्व सफलता भी मिली। यदि हम घर बाहर कपड़ों तथा रहन सहन में सफाई का पूरा पूरा ध्यान रखें तो परजीवी रोगाणुओं तथा कृमियों से छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ है कठिन शब्द जो आप लिखेंगे अपनी पाठ्य पुस्तिका में। परजीवी, आश्रित, विषाणु, अमरबेल, अंकुर, चूषकांग, अदृश्य, प्रविष्ट, उपजाऊ, सर्वभक्षी, पाश्चर, फफूंदी, रोगाणु, न्यूक्लिक एसिड, सूक्ष्मजीवी, गोलकृमी, अभूतपूर्व। यहाँ दिए हुए हैं शब्द अर्थ जो आप याद भी करेंगे और अपनी पाठ्य पुस्तिका में भी लिखेंगे। परजीवी का अर्थ है दूसरों पर जीवित रहने वाला, प्रयास, कोशिश, चूषकांग, चूसने वाला अंग, कुष्ठ, कोड़, आकृति, शक्ल, उपयोगी, लाभदायक, मृतजीवी, मरा हुआ जीव, बिनु, बिना, संहार, नाश, मूल, जड़, मुक्ति, छुटकारा, प्रतिपालन, पालन करना, संक्रामक, फैलने वाले रोग, प्रविष्ट, दाखिल। तो आगे चलते हैं। अब हम करते हैं बात पाठ की। बताओ क्या पढ़ा। जू और खटमल क्या है? जू और खटमल परजीवी हैं। अमरबेल में जड़ होता है या बीज? अमरबेल में जड़ नहीं होती, केवल बीज ही होता है। विषाणु से बड़ी दुनिया किसकी है? बैक्टीरिया या जीवाणु की। फफूंदी क्या है? फफूंदी जीवाणु से बड़े होते हैं, इन्हें कवक भी कहा जाता है। ये किसी भी जगह उग आते हैं। तो आगे चलें। प्रश्न नंबर 2, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। दूध को सुरक्षित रखने का तरीका खोज निकालने वाले वैज्ञानिक थे लुई पाश्चर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस दवा की खोज की? पेंसिलिन। फाइलेरिया की बीमारी किसके कारण होती है? कृमि के कारण होती है। आगे चलते हैं। आशय स्पष्ट करो। परजीवी रोगाणुओं के परजीविता के गुण का ही मनुष्य ने रोग संहार के लिए उपयोग किया। परजीवी रोगाणुओं के परजीविता के गुण। परजीवी रोगाणुओं के परजीविता के गुण का आशय है कि वे दूसरों पर आश्रित रहते हैं। जैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फफूंदी से ही दवा बनाई थी पेंसिलिन, तो इसीलिए कहा गया है कि परजीवी रोगाणुओं के परजीविता के गुण का ही मनुष्य ने रोग संहार के लिए उपयोग किया। मांसाहार करने वालों को कृमियों से ज़्यादा खतरा रहता है। जो लोग मांस खाते हैं उनको कृमियों से ज़्यादा खतरा रहता है, उनको आंतों की समस्या ज़्यादा हो सकती है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। परजीवी किसे कहते हैं? परजीवी वह होते हैं जिनका जीवन दूसरों पर आश्रित होता है। अमरबेल, जू, विषाणु, मलेरिया रोगाणु, खटमल आदि सभी परजीवी हैं। जीवाणु हमारे लिए उपयोगी हैं कैसे? कई जीवाणु साफ सफाई करने, कूड़ा करकट हटाने, मिट्टी को उपजाऊ बनाने और दही को जमाने आदि के काम आते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जीवाणु हमारे लिए उपयोगी हैं। जीवाणुओं से फैलने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं? जीवाणुओं से फैलने वाली बीमारियां हैं तपेदिक, हैजा, पेचिश, कुष्ठ रोग, फोड़े, फुंसी आदि। कौन सी बीमारियां विषाणु जनित हैं? पोलियो, चेचक और फ्लू। विषाणुओं का जीवन कब शुरू होता है? विषाणु परजीवी होते हैं। उनका जीवन तभी शुरू होता है जब वे किसी दूसरे जीवन में प्रविष्ट हो जाएं। कीट तथा परजीवी में क्या अंतर है?
कीट में कीड़े, कृंतक, यहाँ तक कि फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले पौधे भी शामिल होते हैं। वहीं परजीवी उन जीवों को संदर्भित करते हैं जो किन्हीं अन्य जीवों पर या उनके अंदर रहते हैं। अमर बेल क्या है, इसका पूर्ण परिचय दो। बच्चों, ये मैं आपको दे रही हूँ आज आपका गृह कार्य। जब आप इस पाठ का अच्छे से दोबारा पाठन करेंगे तो आपको इस प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह मिल जाएगा। फफूंदी वर्ग के मृत जीवी कौन कौन से हैं? फफूंदी वर्ग के मृत जीवी हैं कुकुरमुत्ते, छत्रक खुम्बी व गुच्छी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस दवा की खोज की, इससे क्या लाभ हुआ? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणुओं को ख़त्म करने वाली दवा पेंसिलिन की खोज की। उन्होंने फफूंदी के रस से एक व्यक्ति के फोड़े को ठीक करके दिखाया। 1941 में एक सिपाही पर उन्होंने पेंसिलिन का प्रयोग किया और 12 घंटे में ही उसकी हालत सुधरने लगी। बाद में पेंसिलिन से कई इंजेक्शन, दवाइयां और सिरप भी बनाए गए जिससे लाखों लोगों की प्राण रक्षा हुई। कृमि क्या है, किस वर्ग को इससे अधिक खतरा होता है? हमारी आंतों में कुछ कृमि भी पल सकते हैं। मिट्टी खाने वाले या गंदा पानी पीने वाले बच्चों की आंतों पर भी कृमियों का हमला हो सकता है। मनुष्यों में फाइलेरिया नामक बीमारी कृमि के कारण ही होती है। इसमें पैर सूजकर मोटे मोटे हो जाते हैं। इन्हें हाथी पांव या फील पांव भी कहा जाता है। कृमि का वैज्ञानिक नाम है एस्किरिस और मांसाहार खाने वाले वर्ग को इससे सबसे अधिक खतरा होता है। तो बच्चों, इनमें से एक प्रश्न अमर बेल क्या है, इसका पूर्ण परिचय दो, मैंने आपको गृह कार्य में दिया है, आप इसे अवश्य करेंगे और यह बहुत ही सरलता से आपको अपने पाठ में मिल जाएगा। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार, मिलते हैं जल्दी ही।